राकेश का, उसने शादी कर ली। शादी? हमसे पूछे बिना? ऐसा तो हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ। माँ, जब हो ही गई है तो उसे स्वीकार कर लो। वो अपनी बीवी को लेकर कल आ रहा है।
माँ इन्हें आशीर्वाद दो। माँ मुझे नहीं। दोनों सुखी रहो। राकेश बहू को कमरे में ले जाओ। चलो आवश्यक। ये कैसी शादी, न बारात न डोली, मेरे तो। माँ अब ये सब सोचने से क्या फायदा, चलो आ जाओ। हेलो राकेश। हाय राजन। कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। आओ बैठो, मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलाता हूँ। जरूर मिलोगे ना? ऑफ कोर्स। ओके शीला जी। डार्लिंग जरा बाहर तो आना। कम मीट माय बेस्ट फ्रेंड राजन, ये हमारे लीगल एडवाइजर भी हैं। आप रेनू? अरे आप क्या एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अरे हाँ यार, जब मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था तब कुछ महीने इनके यहाँ पेंगेस था, और कभी कभी इतनी तंगी होती थी कि मैं इनको टाइम पे पैसे भी नहीं दे पाता था। मैन यू आर रियली लकी, रेनू जैसी लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है। यू आर राइट, इसीलिए तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैंने इनसे फौरन शादी कर ली। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। गुड आइडिया। राजन मैंने रेनू का नाम बदलकर शीला रख दिया है, कैसा है? अरे यार तुम जो नाम रखोगे ठीक ही रखोगे। हाँ, तुम शीला के जान पहचान के निकले, ये अच्छा हुआ। क्यों? अरे यार तुमसे क्या छुपाना, माँ हमारी शादी से बिल्कुल नाखुश है। बेचारी शीला अकेलापन महसूस करती है, तुम यहां आओगे ना तो उसको इसका एहसास नहीं होगा। और फिर वो कहावत है ना, मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है, लेकिन तुम तो। मैं तो पेंगेस्ट।
मॉर्निंग मम्मी, मॉर्निंग आरती। गुड मॉर्निंग शीला, चाय पियो? नो थैंक्स। तुम्हारे भैया शहर से आ गए? उसे तो आए हुए एक घंटे से ऊपर हो गया। ओहो, मैं जरा स्केटिंग करने चली गई थी। सी यू, बाय। पता नहीं कौन सा भूत सवार है इन लोगों के सर पर, सुबह होते ही चल देते हैं सर्दी में। तुम क्यों फिक्र करती हो माँ, राकेश अब बच्चा नहीं है। तो मैंने कब कहा कि बच्चा है, लेकिन उसे अपनी घरवाली को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, आखिर हम राज परिवार के हैं। डार्लिंग, ये क्या नहा धो के गंदा काम कर रहे हो? आदमी बेसिकली गंदा होता है, तुम फिक्र मत करो मैं दोबारा नहा लूंगा। देखो बाथरूम में कोई घुसा। बाथरूम में? ठहरो मैं अभी देकर आती हूँ। टाटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, एनी मैसेजेस? नो सर। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो राकेश। हाय राजन। वर्मा जी ये चेक कैश करवा के मेरी मिसेस को दे देना। मुबारक हो, दिल्ली के केस का फैसला हो गया। रियली? इसका मतलब हम केस जीत गए? और नहीं तो क्या, तुम्हारा वकील कौन है? आज तक कोई केस हारे हो? अगर मैं कोई केस हारता तो तुम मेरे वकील नहीं, सिर्फ दोस्त होते दोस्त। हेलो। जी हाँ मैं राकेश राय बोल रहा हूँ। अच्छा यार मैं चलता हूँ। अरे बैठो यार, चाय पीकर जाना। यार एक क्लाइंट से मिलना। नेवर माइंड, सिट डाउन। हाँ जी, जी हाँ याद है, 6:30 बजे ना। आप ऐसा करिएगा, वन सेकेंड, तुम मेरे साथ चल रहे हो? ओके। आप ऐसा करिए 3 टिकटें रखवा दीजिए, मैं और राजन तो आएंगे ही, बाकी शीला से कन्फर्म करके बताता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट। ऑपरेटर, यस सर, कनेक्ट मी टू द हेल्थ क्लब। हेलो, हेलो, इज इट सिमला हेल्थ क्लब? यस। मिसेस शीला राय हैं? हाँ वो जिम्नाजियम में है, आप कौन बोल रहे हैं? राकेश राय। जस्ट अ मोमेंट। शीला जी, लगता है आपके हस्बैंड आपसे कुछ कान में बात करना चाहते हैं। थैंक यू। हाँ जी कहिए। डार्लिंग चोपड़ा जी का फोन आया था। हाँ हाँ, चोपड़ा साहब के फंक्शन में जाना है ना। तुम चल रही हो ना? तुम नहीं ले जाना चाहते तो नहीं चलूंगी। क्या कर रही हो, एक किस तो दे दो। सिली मैन। क्या हुआ? कुछ नहीं, फोन पर किस करने की आदत है इनकी। शीला जी आप बहुत लकी हैं, आपको प्यार करने वाला पति मिला है। राकेश मुझे नहीं मिला, मैं राकेश को मिली। वो कैसे? 1978 में नैनीताल में बोटिंग कर रही थी कि अचानक बोट से गिर गई। फिर क्या, राकेश ने मुझे डूबने से बचाया और प्रपोज किया और शादी हो गई। प्रीति एक बात कहूं, प्यार के मामले में सभी मर्द बेवकूफ होते हैं। क्यों? मुझे क्या मालूम। झूठ मत बोलो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ। शीला जी आप तो जानती हैं मुझ पर अपनी माँ की जिम्मेदारी है, और फिर एक भाई है जो चंडीगढ़ में बीए कर रहा है। वो मैं जानती हूँ, लेकिन प्यार फिर भी अपनी जगह है। सच बोलो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? हमारे आदमी को छोड़ दो। तुम लोग शायद मुझे जानते नहीं, मेरा नाम विनोद है और दुश्मनों में इंस्पेक्टर विनोद के नाम से जाना जाता हूं। मेरी 3 बुरी आदतें हैं। नंबर 1, जो मेरे हाथ में आ जाता है
वो छूटता नहीं। नंबर दो, जिसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता हूं वो बचता नहीं। नंबर तीन, जिसे यमराज ऊपर बुला लेते हैं उसे हम अपनी अदालत में सजा दिए बगैर छोड़ते नहीं। साहब अपना काम कर रहे हैं, तुम कुछ लाना नहीं। फुटबॉल का याद आता है, तुम ऊपर से मारने को जाएगा वो नीचे से मार देगा, हम पीछे से मारेगा। तलंदर लगता है तुम्हारा कुछ दिक्कत नहीं है, सब बराबर है ना। लगता है तुम्हारा कुछ टूट गया है। तलंदर आदमी नहीं लगता है, कुश्ती का आदमी लगता है। कॉल्सो लंगोट पहन के घुमा करो, ये ठंडी में कुल्फी हो जाएगा। चलंदर इतने छोटा पड़ेगा इसको। ओह सॉरी। अरे अरे सुनो तो सही, मैं यही आ रहा था कि रास्ते में मैंने कुछ पूछा। अरे तुम पूछो या ना पूछो लेकिन मेरा तो बताना फर्ज है ना। देखो यकीन मानो मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ, मैं सचमुच रास्ते में फंस गया था। तो निकल क्यों आए, जाओ रास्ता सामने है, जहाँ दिल चाहे वहाँ फिर से फंस जाओ। अरे दिल जहाँ करता है वहाँ तो ऐसे फंसा हूँ, अगर चाहूँ भी तो निकल नहीं सकता। अब देखो डार्लिंग, डोंट कॉल मी डार्लिंग। ओहो इस वक्त तुम कुछ मत कहो, सिर्फ मुझे कहने दो। अरे पुलिस वालों की नौकरी ऐसी है, कौन कैसे किस वक्त किस रूप में मिल जाए कुछ पता नहीं। ये देखो बदमाशी की वजह से। अरे तुम्हें कितना लगा, चलो घर चलो। अरे पहले वादा करो, जहां मैं फंसा हूं वहां से बाहर निकालोगी नहीं। जैसे तुम निकल जाओगे। बात सही है। अरे राजन तुम क्या बार बार कैनन ही मारते रहोगे? अरे तुम विस्की पियो यार, विस्की। थैंक यू। और अब देखो मैं कैसे कैनन पॉट मारता हूँ, लाओ। अरे यार फिर से बर्फ डाल दी। I'm sorry राजन, वो क्या आदत से मजबूर हूँ ना। Cheers. पता नहीं तुम लोग विस्की बर्फ के बगैर कैसे पी लेते हो। आई जस्ट कांट डू विदाउट इट। चलो राकेश, चलो राजन, मम्मी दो बार पूछ चुकी है, खाना ठंडा हो जाएगा। ओहो डार्लिंग, तुम माँ जी को खिला दो ना, हम दोनों एक छोटा मार के आते। क्यों राजन? अरे यार हम तो सन्यासी हैं, मिल गया तो गुरुदेव की इच्छा, अगर ना मिले तो भी गुरुदेव की इच्छा। इच्छा विच्छा कुछ नहीं, तुम दोनों जब पीना शुरू करते हो तो ज्यादा पी जाते हो। चलो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर पी लेना, कम ऑन। चल राजन चलें, घर की मालकिन है ना, वैसे भी कल बंबई जा रही है, थोड़ी बहुत खुशामद तो करनी पड़ेगी ना। कम लेट्स गो। वैसे तो सर्दियों में आदमी शिमला से दूर ही रहे तो अच्छा है, लेकिन बहू का इतनी दूर अकेले जाना। मामी आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहुत फ्रेंड्स है वहाँ। माँ जी अगर शीला जाना चाहती तो उसे जाने दीजिए ना। हाँ हाँ जाए, पहले भी तो साल में दो तीन बार जाती ही रहती है, मैंने कभी रोका है उसे? और फिर रोकने से फायदा भी क्या, हमारे जमाने में तो बड़े किसी चीज के लिए रोक देते थे। तुम्हारा खाना हो गया, चलो हाथ धो लो। हाँ हाँ अब तो हाथ ही धोने हैं। देखो इनका खाना हो जाए तो तुम सब अपने घर चले जाना, जल्दी जाना। तुम कितने बजे जा रही हो? सुबह 7 बजे। ठीक है मैं भी चलूंगा। तुम मेरे साथ? तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक सी ऑफ कर देंगे, उसके बाद शिमला आ जाएंगे। अरे राजन तुम भी हमारे साथ चल रहे हो ना? नहीं मुझे कल दिल्ली कोर्ट में हाजिर होना है, इसलिए आज रात को ही जाना पड़ेगा। और मेरे चंबे वाली जमीन की रजिस्ट्री? अरे यार आके कर देंगे। हाँ ठीक है। खैर मैं तो सुबह नहीं आ पाऊंगा। लेट मी विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। थैंक यू। राइट गुड नाइट यार, and thank you very much. Good night. Good night, Rajan.
अब बस भी करो डार्लिंग, कितना इंतजार करवाओगी? एक मिनट, सुबह जल्दी जल्दी मैं जरूर कुछ ना कुछ भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने सारी पैकिंग कर ली है। ओहो राकेश, जरा हेल्प करो ना। हे राम, हमारी मेम साहब से एक सूटकेस बंद नहीं होता। चलो हटो, अब एक मिनट मैं करता हूँ। ये क्या कर रहे हो राकेश? छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, मत सताओ मुझे। आप दिल्ली आ गए, कम से कम कोर्ट में सुनवाई तो हो गई। लगता है अगले महीने तक फैसला हो जाएगा। अच्छा, बॉम्बे फ्लाइट में सीट बुक कर दिया है ना? यस। ओके, चलिए। ठीक है, चलिए आप चलिए। थैंक यू। राइट, लेट्स गो। साहब, वो ड्राइवर पूछ रहा है, उसे कहो घर चला जाए। अच्छा सर। ओके। हेलो सर, आपने जो बॉम्बे कॉल कराया था वो मौसम खराब होने की वजह से कुछ लेट हो जाएगा। ओहो हो, अच्छा ऐसा करिएगा, प्लीज डू मी अ फेवर, वो क्या है कि मैं होटल शिराज जा रहा हूँ, आप ये लाइन वहां दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। राजन, अरे क्या हाल है यार, कहाँ से बोल रहे हो? अरे यार मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सुनो, अगर तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री 2-3 दिन बाद करें तो कोई इतराज है? क्यों, कोई जरूरी काम में फंस गए क्या? अरे हाँ यार, बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जेंट केस आ गया, बॉम्बे जाना पड़ेगा, मुमकिन है वहाँ पे 2-3 दिन लग जाए। डोंट वरी, टेक योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाद में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। ठीक से पहुंच गई ना? ओह यस, तुम दिल्ली से बोल रहे हो? जी नहीं, शिमला से, मगर आपके यहाँ ना रहने की वजह से चारों तरफ खामोशी छा गई है। अच्छा, चार पैग मार चुके हो क्या? मार तो चुका हूँ मगर असर ही नहीं हो रहा। तुम घर से बोल रहे हो? जी नहीं, घर वापस जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। ए विराट,
I love you. Me too. Bye. Bye. Good night. क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? शो रोजलिन, रोजलिन कहाँ जाना है? बस यहीं आगे तक। आपकी ये कार कितनी अच्छी है। थैंक यू। आज बहुत सर्दी है ना? सर्दी तो है। वैसे सर्दी में ब्रांडी बहुत काम आती है। मेरा ख्याल तुम्हें ब्रांडी की जरूरत है। ओह सो स्वीट ऑफ यू। कहाँ चलोगी? घर या होटल? जहाँ आप ले जाए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। चुप, शोर नहीं करना। आजो, आओ। राकेश। जी दीदी। बहुत देर कर दी तुमने। खाना लगा दूं? नहीं दीदी, मैं खा के आया। आप सो जाइए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारा नाम क्या है? रोजलीन। स्वीट नेम। क्या पियोगी? व्हिस्की, ब्रांडी? एनीथिंग। श्योर। समाइस? श्योर। आओ मेरे पास और आओ, ना घबराओ ना शर्माओ। ओ आओ मेरे पास और आओ, ना घबराओ ना शर्माओ। यही है प्यार का समां, दर्द है जहां। आओ मेरे पास और आओ, ना घबराओ ना शर्माओ। ओ आओ मेरे पास और आओ, ना घबराओ ना शर्माओ।
ना घबराओ ना शर्माओ, आओ मेरे पास और आओ, ना घबराओ ना शर्माओ। पल कहीं यूं ना चले जाए, आज का समां दिल मिले कहां, आओ मेरे पास और आओ ना घबराओ ना शर्माओ, यही है प्यार का। रोजलिन, ब्रांडी। ओह थैंक यू। क्या करती हो? काम। काम तो सभी किया करते हैं, मगर कहाँ काम करती हो? राय गार्मेंट्स फैक्ट्री। एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट बी बैक। फैक्ट्री में काम करती है, कल मुझे ब्लैकमेल कर सकती है। फैक्ट्री में अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, और शीला, शीला को पता चल गया तो नहीं नहीं, मैं अभी इसे इसके घर छोड़ाता हूं। रोजलिन, कमन रोजलिन, तुम्हें घर छोड़ा। रोजलिन, 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 ये तो मर गई। शिमला पुलिस स्टेशन। अरे बोलो, हेलो, अरे बोलो, बोलता क्यों नहीं है? अरे हम सुनता है ना, बोलो तुम।
कमाले कैसे कैसे आदमी लोग फोन करते हैं इधर। कमाले कोई बात नहीं करता है। क्या हुआ ढेला राम? अरे कोई बदमाश लोग फोन करता है, बोलता नहीं है। अरे तुम छोड़ो, चाय पियो, बहुत सर्दी। हाँ बहुत ठंडी है। तुमने साहब का बात सुना? नहीं सुना। मेरे को बताया 6 फुट का आदमी को पकड़ के लाओ, उसको देखो और मेरे को देखो। तू उसमें क्या सीट लेकर साला ज्यादा पकड़ के ले आता ना? अरे ढेला राम तुम्हारा तो भेजा ढीला हो गया। हमारा भेजा ढीला हो गया है, तुम बराबर बात करता है लेकिन तुम्हारा भेजा ही नहीं है। हाथ ही लगाने का क्या? ये बदमाश लोग फोन करता है, हम पुलिस वाले लोग को तंग करता है, खाली सुनने का सुनो। ढेला राम फोन की घंटी बजी सुनाई नहीं देता? सुन रहा है साहब। क्या सुन रहा है? तो उठाता क्यों नहीं? उठाता है तो अंदर से आवाज नहीं आते। हेलो शिमला पुलिस स्टेशन, क्या मर गई? आपके पास जैक है? जैक? जी नहीं। क्या है कि हमारी जीप का टायर पंचर हो गया और हमारे पास जैक नहीं है। एक बिजली के तार टूटने की वजह से एक लड़की की डेथ हो गई, जरा हमें आगे तक छोड़ देंगे? हाँ चलो बैठो। थैंक यू वेरी मच। चलो
आओ आओ आओ, ले तेरे मॉडलिंग का इनाम। थैंक यू अंकल, दूसरी भी दो। दूसरी कैसे दे दो मुफ्त में? अरे मुफ्त दूंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। आओ 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 बच्चे, आओ आओ, चलो चलो आगे दूसरे फोटो निकालते हैं। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ये तो स्नोमैन है, देखो। स्नोमैन स्नोमैन, वेलकम टू यू, यू आर वन एंड वी आर टू। अंकल ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। अरे कैसे बोलेगा, सुनेगा तो बोलेगा ना। इसके तो कान नहीं है, मुंह नहीं है, आंख नहीं है, तो मैं आंख बनाता हूँ। बनाओ बना दो। हाँ अच्छा अच्छा, तो देखो देखो, ऐ देखो, ऐ उसकी गर्दन तो है उसकी आंख। देखो आंख बन जाएगी, होनी देखने लग जाएगा। इनके पैरों का एक फोटो लीजिए। पैरों का? लेकिन इनके पैरों का फोटो क्यों? क्योंकि ये लड़की यहां आई नहीं, लाई गई है। अच्छा, इसके जूते उल्टे हैं। लेकिन ये लड़की है कौन? मेरे स्टूडियो में इसकी एक तस्वीर लगी हुई है, फोटो निकलवाने आई थी। लड़के का नाम क्या है? इसका नाम है रोजलीन। बड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। रोजलिन रात भर घर को नहीं आया। ओ गॉड, तुम उसको प्रोटेक्ट करो। हम कुछ नहीं जानते वो किधर है, क्या करता है। तुमको तो खाली अपने ड्रिंक का फिकर है, रात भर पीता रहता है। कल से लड़की घर को नहीं आया, किसी को जाके पूछो ना। जस्ट स्प्लिटिंग हेडेक, जस्ट हैंगओवर। ओ ओ वो देखो आ गई। रोजलिन आया। पुलिस? आप रोजलिन की माँ हैं? हाँ, क्यों? उसने फिर कुछ मिस्टेक किया? इस चीन पुलिस स्टेशन? जी नहीं, रोजलिन हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? ओह गॉड, क्यों, क्या हुआ? आज सुबह रोजलिन की लाश मिली है। डिटेल तो केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। अभी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उसकी मौत जहर खाने से हुई। नाम शुहर असिस्टेंट, ऑल यू सेंट्स ऑफ गॉड, मीट हर, ऑल यू एंजल्स ऑफ गॉड, रिसीविंग हर सोल, ऑफरिंग इट इन द साइट ऑफ द मोस्ट हाई। May Christ receive you who has called you, and may the angels conduct you to Abraham's bosom. Receiving her soul and offering it in the sight of the Most High. Rosalind, my darling, I killed you. हमको माफ कर दो Rosalind, हमको माफ कर दो। तुम हमारा फोटो लिया मैन,
दुकान बंद, अब फोटो लेना सारा पैसा हैगा जी, माल रोड पे सारे फोटो की दुकान है, नंद एंड सन एंड सन। कैमरा दो। कैमरा? क्या अरे, अरे क्या कर रहे हैं, महंगा कैमरा जी, जी जी, अरे अरे क्या कर रहे हो जी, हट रहो, ओहो, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, अरे 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 दुकान बंद है की किता जी, मैंने बिल्कुल नया रोल लिया था, वो भी ब्लैक मार्केट से आजकल मिलता का है जी, और आपने तुमने क्या देखा? देखा देखा मैंने कुछ नहीं देखा जी, कुछ नहीं देखा जी, मैंने सुना था जी, कुछ सुना था, किसी को कुछ बोला तो ना मैन, हम तुम्हारा ग्रेव भी यही बना देगा। ग्रेव? जी नहीं जी, मैं तो स्मशान में जलना चाहता हूँ जी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इडियट। अच्छा ये बताओ, एक जवान खूबसूरत लड़की बिना किसी वजह के खुदकुशी कर सकती है? अगर तुम जैसा लवर मिल जाए तो कोई भी लड़की खुदकुशी कर सकती है, कल को शायद मैं भी खुदकुशी। अरे बाबा नहीं, मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता, मगर ऐसा लगता है जैसे मैं कुंवारी मर जाऊंगी। देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, अगले साल 31 दिसंबर को हमारी शादी पक्की। अगले साल? ओहो एक मिनट के लिए अपनी बात छोड़ो, मैं रोजलिन के बारे में सोच रहा हूँ। कौन रोजलिन? सुबह जिसकी लाश मिली है, समझ में नहीं आता, अगर उसने खुदकशी नहीं की तो इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है। पहले मुझे उसके करेक्टर के बारे में पता लगाना होगा। I'm sorry, आप लोगों को फिर तकलीफ देने। अभी तकलीफ देने को क्या बाकी रह गया, मेरी जवान बेटी को तो तुम लोग मार डाला। No, my darling, no. Have patience. मैं रोसिन के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। क्या आपको लगता है रोसिन की किसी से दुश्मनी थी? नहीं। आपको किसी पर शक है? नहीं। क्या आपको भी लगता है कि उसने खुदकशी की? हमको कुछ नहीं मालूम। अगर उसने खुदकशी की है तो क्यों? क्या वो किसी से प्यार करती थी? लुक इंस्पेक्टर, मेरी डॉटर एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी, वो हमेशा अच्छी से अच्छी और कीमती से कीमती चीजें पसंद करती थी, वो एकदम अमीर बनना चाहती थी। ये सारी चीजें रोजलिन ने जमा की थी। इंस्पेक्टर, रोजालिन को कुछ भी चीजें उठाने की बीमारी थी। वो चीज लाती थी और वो ही पूछती थी कि कौन लाया। इसका मतलब रोजलिन को चोरी करने की बीमारी थी। ये रोजलिन के बैग में मिला था, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा ये बताइए, भाई बहनों से कैसे बर्ताव करती थी? She loved them. डेली उनके लिए स्वीट लाता था। उसका कोई खास दोस्त? इंस्पेक्टर दोस्ती कैसे होगी, वो किसी एक जगह 3 महीने से ज्यादा कभी काम नहीं करती थी। अभी भी काम करती थी? हाँ, राई गारमेंट्स फैक्ट्री। हेलो सर, आपसे पुलिस इंस्पेक्टर मिलना चाहते हैं। पुलिस? अंदर भेज दो। हेलो मिस्टर राय, मैं सेनी इंस्पेक्टर विनोद। प्लीज सिट डाउन। कोई बात नहीं, मैं एक लड़की के मर्डर के उसके सिलसिले में मिलने आया, वो लड़की आप ही के फैक्ट्री में काम करती थी, आप उसके करेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए मैं फैक्ट्री बहुत कम जाया करता हूँ, आप एक मिनट। ऑपरेटर? यस सर। मिस्टर वर्मा को जरा भेजना। थैंक यू। लाइट? वो क्या है कि मिस्टर वर्मा हमारे फैक्ट्री वर्कर्स के इंचार्ज हैं, आप उनसे बात कर लीजिए।
मिस्टर वर्मा, आप हैं इंस्पेक्टर विनोद। हेलो। हेलो। आप कुछ जानकारी चाहते हैं? प्लीज हेल्प हिम। ओके, ही विल हेल्प यू। थैंक यू। ओके। चौबीस तारीख को 5:30 बजे रोजलिन कहाँ चली गई थी? रोजलिन क्या, 5:30 बजे तो यहाँ से सभी चले जाते हैं। उसके करेक्टर के बारे में कुछ जानते हैं? नो सर, उसे तो सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, वो काम पे यहाँ लगे। उसका कोई दोस्त या सहेली? नो सर, हमें तो अपने काम से मतलब है, उसका कौन दोस्त कौन सहेली है हमें क्या मतलब। थैंक यू। ओके सर। मुझे इंस्पेक्टर विनोद साहब से मिलना है। शाब अंदर है, अंदर जाकर मिलिए। My darling. क्या समझती है अपने आप को? उसके बाद रोजलिन डिस्को से नाराज होकर चली गई। रोजलिन, रोजलिन। जब मैं बाहर आई तो देखा रोजलिन कार में बैठ चुकी थी। मैंने बहुत आवाज दी लेकिन शायद उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। उसके बाद तुम रोजलिन से मिली थी? नहीं। उस वक्त कितने बजे होंगे? करीबन 10 बजे होंगे। गाड़ी कैसी थी? फियर, टेम्पेस्टा? इम्पोर्टेड गाड़ी थी, बड़ी हरे रंग की। ड्राइवर साहब ने बोला है गाड़ी गैराज में रख दो। साहब घर पे हैं? जी साहब। बोलो इंस्पेक्टर विनोद मिल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। पुलिस? पुलिस इंस्पेक्टर? जी। लेकिन हमारी कोठी में पुलिस इंस्पेक्टर का क्या काम? आरती? माँ, आरती को रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपको फिर डिस्टर्ब करने आ गया। इट्स ओके, आइए बैठिए। कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछने आया था, 24 तारीख रात को आप कहाँ थे? 24 तारीख सुबह मैं अपनी बीवी को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़कर शाम तक शिमला वापस आ गया था। सीधे घर आए थे? जी नहीं, मैं अपने ऑफिस गया था, वहां से मैंने अपनी बीवी को ट्रंक कॉल बुक किया। जब कॉल नहीं लगा तो मैं शिराज होटल चला गया, वहां मेरी एक मीटिंग थी, उसके बाद मैं घर आ गया। कितने बजे घर पहुंचे? यही कोई 10:30 बजे होंगे। डॉज में आए थे? जी हाँ। अकेले? जी बिल्कुल। फिर से एक बार सोच लीजिए मिस्टर राय, होटल से आप अकेले आए थे। इसमें सोचने की क्या बात है इंस्पेक्टर? आप शायद भूल रहे हैं, रास्ते में आपने एक लड़की को लिफ्ट दी थी। लिफ्ट? जी हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी, वो सर्दी में अकेली खड़ी थी, उसने लिफ्ट मांगी, मैंने लिफ्ट दे दी। तो आप उसे घर ले आए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया था। कहाँ? जहाँ उसने कहा था। उसके घर छोड़ा? लुक इंस्पेक्टर विनोद, मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने उसे लिफ्ट दे दी,
उसने जहां छोड़ने के लिए कहा मैंने उसे वहां छोड़ दिया। इज इट क्लियर? ओ यस। आपकी बातों से ऐसा लगता है। हाँ छोड़िए, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। यस। आपने उस लड़की को कहां छोड़ा था? आइस स्केटिंग रिंक के पास। Yes, मिस्टर राकेश रॉय। जी हाँ, मैं राकेश बोल रहा हूँ। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? कौन है आप? मैं आपका हमदर्द हूँ और आपकी परेशानी मैं दूर कर सकता हूँ। परेशानी? कैसी परेशानी? ये बात मैं फोन पे नहीं बता सकता हूँ। आप फौरन आशियाना होटल पे आ जाइए। लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे? आपको पहचानने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पहचान लूंगा। हेलो हेलो, मैं भी हूँ।
तुम लोगों पर किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं सर। उसकी कार में कोई सबूत मिला? नहीं। तुम्हारे कहने से एक पराए आदमी के साथ लिपट कर डांस किया मैंने, और तुमने बताया भी नहीं तुम चाहते क्या हो। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तो मेरा डांस करना और उसे यहाँ लाना बेकार गया। लेकिन बेकार नहीं जाएगा। हनुमान दी जय, हनुमान दी दुकान खुलू। मिस खन्ना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुसी रोज सवेरे मेरे दुकान के सामने आके क्यों खड़े हो जाते हो? आज मैं अंदर आऊंगी, मैनू एक फोटो खिंचवानी है। मेरे दरवाजे में आ सकते हो तो आ जाओ। जी मैं तो तुम्हारे दिल के दरवाजे में भी आ सकती हूँ। ठीक है, तुसी आना ही चाहते तो आ जाओ, लेकिन मेरा कोई नुकसान मत करना। आइए आइए, संभाल के आइए 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 आइए। एक मिनट, दुकान बंद, एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं नंद बोल रहा हूँ। नंद जी, वो नहीं जो तुसी समझ रहे हो, नंद। N for नंदा, A for अंडा, N for नंदा, D for डंडा, नंद। हेलो हेलो, कोई लाइन कट गई, दुकान बंद। मिस्टर नंद, एक बात बताओ, ये आप हमेशा ही क्यों बोलते रहते हैं दुकान बंद दुकान बंद? बड़ी सिंपल सी गल है जी, मेरे दादा ने ये दुकान खोली थी, नंद एंड सन। उसके बाद उनके बेटे यानी कि मेरे पिताजी ने ये दुकान चलाई, उसके बाद उनके सन यानी कि मैंने दुकान ही चलाई, लेकिन मेरी ना शादी हुई ना कोई सन, इसलिए दुकान बंद। तुम्हारी दुकान खुली रह सकती है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। अरे बापरे बापरे, तुसी तो फोटो खिंचवाने आए थे ना। हाँ। आओ जी आओ जी, आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन तुसी हुनी फोटो खिंचवाओगे? हाँ, सानू एक ब्यूटीफुल फोटो खिंचवानी। ब्यूटीफुल? तुहानू केड़ा पोज पसंद है, स्टैंडिंग के सिटिंग? नहीं, सिटिंग में तो सारी ब्यूटी मारी जाएगी, स्टैंडिंग में खिंचानी वो भी दो पाँव पे। दो पाँव पे? लेकिन तुसी तो दो पांव पे खड़े हो, दुकान बंद। तुसी भी कमाल कर दे हो, सानू अपने जिम्मी दी फोटो खिंचवानी है। दुकान बंद, जिम्मी दी फोटो खिंचवानी है? हाँ। लेकिन क्यों? मैं अपने जिम्मी दी शादी करवा रही हूँ, इसके गर्लफ्रेंड को भेजनी है इसकी फोटो। दुकान बंद, तो अभी खींच देते हैं, लेकिन पहले ये बताइए आपको किस साइज की फोटो खिंचवानी है? ये साइज, ये साइज, ये साइज, ये साइज, ये साइज और ये साइज, किस साइज? अरे ये तो रोजालिन की फोटो है। दुकान बंद, तुसी जानते हो उसे? हाँ। हेलो पुलिस स्टेशन। सिमला पुलिस स्टेशन, कौन? इंस्पेक्टर विनोद। हाँ बोल रहा हूँ। रोजेलिन का कातिल पकड़ा गया? जी नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? पकड़ा भी नहीं जाएगा, कीप ऑन ट्राइंग। हेलो हेलो, शीला, तुम यहाँ? आज तुम बंबई से आने वाली थी ना, इसलिए तुम्हें लेने चला आया। लेकिन राजन, तुम शीला के साथ? मैं बॉम्बे से आ रहा था, एयरपोर्ट पे शीला मिल गई, एक साथ आ गए। तुम लोग कहाँ? शिमला जा रहे हो ना? हाँ हाँ। मुझे तो दिल्ली में काम है, चलो सामान ले लें। चलो चलो, कम लेट्स गो।
इतने छुप क्यों हो? सारे रास्ते भी तुमने कोई बात नहीं की, क्या बात है? कुछ नहीं। इतने परेशान क्यों हो? शीला, मैंने कुछ नहीं किया शीला, लेकिन मैं फंस गया हूं। क्या मतलब? तुमसे फोन पर बात करने के बाद जैसे मैं घर लौट रहा था तो मुझसे एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। उसने मुझसे ब्रांडी मांगी, मैं उसे घर ले आया। ब्रांडी देकर मैं बाथरूम चला गया और जब मैं बाथरूम से लौटा तो उसकी लाश पड़ी हुई। क्या? मैं तुम्हें कितना शरीफ आदमी समझती थी, लोगों के सामने कितनी तारीफ करती थी तुम्हारे कैरेक्टर की, और तुम? शीला, मुझे गलत मत समझो शीला। शट अप। एक जवान लड़की को आधी रात गए ब्रांडी पिलाने के लिए घर लाते हो और कहते हो तुम्हें गलत ना समझू। ये तो तुम्हें मजबूरन बताना पड़ा इसलिए भेद खुल गया। अगर वो लड़की ना मरती तो? सुनो, तुमने पुलिस को क्या बताया? मैंने उनसे कहा कि मैंने उसे रास्ते में उतार दिया था। ठीक है, सबसे यही कहना, कभी कबूल मत करना कि तुम उसे यहां लाए थे। हम दोनों को हर एक से ऐसे मिलना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाय प्रीति। अरे शीला जी, आप कब आई? कल। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। तुम तो कभी शिमला छोड़ती नहीं हो, साल में एक दो बार तो क्लाइमेट बदलना ही चाहिए। ये लो, तुम्हारे लिए बॉम्बे से लाई हूँ। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। वेलकम। चलिए। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटे, बहुत दिन बाद आए। बहुत दिन तो नहीं माँ जी, कल ही नहीं आया था। देखा माँ, काम इतना है कि 5 दिन साहब के लिए कल है। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। अरे प्रीति, रिकू की चिट्ठी आई है। आनी थी, वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा। तुम कम से कम उसके हुस्न में फोन ही करते थे। फोन तो कर सकता था लेकिन बात बिल्कुल दिमाग से नहीं। मेरा भाई है ना, परवाही नहीं। तुम्हारा भाई होता तो देखती। अरे भाई, अपने भाई से जोरू के भाई का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, मगर इस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है। रोजेलिन? नहीं, उसका कातिल। तुम तो कल मुझ पर भी शक करने लगोगे। मुझे एक आदमी पर शक है लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं। ये तुमने कहां से खरीदा? खरीदा नहीं, शीला मेरे लिए बॉम्बे से लाई है। कौन शीला? राय गार्मेंट फैक्ट्री के मालिक राकेश राय की वाइफ। हेलो मिस्टर राकेश। हेलो। माफ कीजिएगा, हम पुलिस वाले बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचते हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मिसेस राय? जी हाँ। शीला, इंस्पेक्टर विनोद। नमस्ते। आप शायद नहीं जानती, मिस्टर राय एक मर्डर केस में फंस चुके। आई एम सॉरी, फंसे नहीं, अनजाने में इन्वॉल्व हो गए हैं। जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं उस मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मैं इस बात को मानता हूं मिस्टर राय, आपने उस दिन उस लड़के को छोड़ा था, लेकिन एक अड़चन और आ गई है। कोई अड़चन नहीं, आप खामखा एक इज्जतदार आदमी को परेशान कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा मिसेस राय, इनकी शराफत और इज्जत की रक्षा करना हम पुलिस वालों का फर्ज है, लेकिन एक अच्छे शहरी होने के नाते पुलिस की मदद करना आपका भी फर्ज है। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बिलियर्ड टेबल, कैन आई सीट? श्योर। मिसेस राय, हमारा गेम भी बिलियर्ड से कम नहीं, कभी गवाह गवाह देने को राजी नहीं होते, और अगर राजी हो भी जाते हैं तो कहीं ना ब्यूटिफुल पीसेस। मिस्टर राय, आपको ऐसा नहीं लगता इन्हें सजाने में कहीं गलती हो गई? 1, 2, 3, 4,
पान। एक छोटा सा पीस मिसिंग है। हो सकता है नौकरों ने इधर उधर रख दिया हो। नहीं मिसेस राय, यहां तीन से चुराया गया था। किसने चुराया? 24 तारीख की रात को जो यहां आई थी मिस्टर राकेश राय, यहां थी रोसलिन के हैंडबैग में मिला था। इसका मतलब आपने झूठ कहा था, रोसलिन यहां आई थी। मिस्टर राकेश राय, रोसलिन के खून के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। आई एम सॉरी। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं नंद। कौन? वो नहीं जो तुसी समझ रहे हो, नंद। इंस्पेक्टर साहब, रोजालिन के कत्ल के जुर्म में आपने राकेश राय को गिरफ्तार कर लिया था। क्यों, गलत किया? वैसे वो जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी जान नु खतरा हैगा, लेकिन मैं किसी शरीफ आदमी पर गलत इल्जाम लगते हुए नहीं देख सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैनु असलियत का तो पता नहीं हैगा, लेकिन मैंने जो सुना और देखा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन बात आप अपने तक ही रखिएगा, कहीं उसको पता लग गया कि मैंने उसका नाम बता दिया है तो मेरी दुकान नंद बंद। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि रोजालिन की कब्र पे कोई एक आदमी जो कि नशे में था रो रहा था और कह रहा था, रोजालिन मैंने तुम्हें मार दिया, रोजालिन आई हैव किलिंग यू। क्या नाम है उसका? ओ रोडे किड़ा रोडे रोड्रिक्स। रोजालिन डार्लिंग, हम प्रॉमिस करता है हम राकेश रॉय का ग्रेव यही बना देंगे। I will kill that bastard! तुमने ठीक कहा रोड्रिक्स, एक खून और भी करोगे सजा तुम्हें उतनी ही मिलेगी। पुलिस, बोल, तूने रोजिन को जहर दिया था ना? हमसे नहीं मारा साहब, हम उसे नहीं मारा। She was my sweetheart। झूठ मत बोल। बोल, तूने रोशन की कब्र पर नहीं कहा कि तूने उसे मार डाला? हमने उसे नहीं मार डाला, हमने उसे मॉरली मार डाला, उसे मॉरली मार डाला। हम उसे झगड़ा नहीं करता तो वो नहीं जाती और वो नहीं मरती। पुलिस से बचने के लिए अच्छी कहानी बना लिया। तू रोशन से प्यार करता था और जब तूने रोशन को राकेश के साथ देखा तुझसे उसकी बेवफाई देखी नहीं गई, इसलिए तूने उसका पीछा किया और जब रोशन कमरे में तुझे अकेली मिल गई तूने उसे मार डाला। ये झूठ है साहब, ये झूठ है, ये झूठ है। आपको यकीन ना हो तो आप होटल वाले से पूछ सकते हैं। होटल वालों से? तू उस समय कहाँ था? बोल। मैंने इतनी पी ली थी कि मैं वहीं सो गया था। अगर ये झूठ निकला तो तुझे इतना मार मारूंगा कि तेरा नशा उतर जाएगा। ढिलराम, आए साहब, ले जाओ इसे अंदर बंद कर दो। नहीं साहब, नहीं साहब, आगे शुक्ला में जाके पूछ कर आना। नहीं साहब, हम उसे नहीं मारा साहब, गॉड प्रॉमिस, हम उसे नहीं मारा। ले जाओ इसे। हम उसे नहीं मारा साहब, गॉड प्रॉमिस, वो मेरी डार्लिंग थी। अंदर साल आ करिश्मा की फोटो है और ही उसकी माँ की फोटो है और आज एक कपड़े। ये होटल का मैनेजर तुम है? हाँ हमें। ये 24 तारीख को नवंबर को रोड्रिक्स नाम का आदमी इधर था क्या? रोड्रिक्स कौन मालूम नहीं, कचरा क्लास में। रोड्रिक्स वो तो खूनी है, खूनी। अरे खून से हमको कुछ मतलब नहीं हुआ, हमारा शाप का काम है, हमको तो खाली पूछना है कि 24 तारीख को वो क्या करता था, वो जो दिन रात दारू पे, वो रोड्रिक्स वो। वो रोड्रिक्स? अरे वो तो 24 तारीख की रात को यही सो गया था दारू पी के। इधर सो गए थे। चलो बोगीलाल, समझ में नहीं आता। हाँ साहब, वो रोड्रिक्स अंदर बंद कर दिया है ना, कर दिया है ना अंदर। हाँ कर दिया है ना। उसको छोड़ना नहीं। क्यों? उसको छोड़ोगे तो सारी दुकान बंद हो जाएगी। कबाली, उसको छोड़ेगा तो दुकान बंद हो जाएगा, वो अंदर होगा तो तुम्हारा खुला रहेगा। कुछ समझ में नहीं आता, ये बंद खोल वाला लगता है। समझ जाओगे बाद में। अपनी तरफ से कुछ मत। क्या है? वो रोड्रिक्स के बारे में आपने पूछा था ना। हाँ। वो 24 तारीख की रात को डिस्को में दारू पी के उधर ही सो गया था। निकालो। क्या निकालू?
नशे में हो क्या, उसको निकालो। निकालता है, उसको निकालता है। सुनिए, शाम को बोला है निकालो। चलो, इतना दारू पीता और तुम समझता नहीं है। साहब निकाल के ले आया। ज्यादा शराब नहीं पीना, जाओ। नहीं पिएगा साहब। बंद, तुम रोडिक्स भाई, स्टूडियो का टाइम खत्म हो गया। टाइम तुम्हारा खत्म हुआ है मैन, हम तुमको बोला था ना मुंह बंद रखना। मैंने तो मुंह बंद रख दिया, मैनू पता नहीं मैं कहां से बोल रहा हूं। तुमने पुलिस इंस्पेक्टर को जाकर खबर कर दिया? दुकान बंद मैं क्यों बोलांगा, मेरी मौत आई जो मैं बोलांगा। आज तो तेरी मौत ही आई है। ये कैसी मौत है जो अंधेरे में आई है। रिक्स भाई, लाइट तो ऑन कर दो। नहीं, चूहे बिल्ली का खेल अंधेरे में ही अच्छा लगता है। क्या करूं, अब मैं पुलिस को फोन करा की करा। की होया? क्यों? तू बुरा काम करने आया था ना, इस वास्ते रो रहे? चल ठीक है, मैं तेनु माफ कर दूंगा। दुकान बंद, ये तो फिर भी रो रहा है। ओए रोना मत, तेरे को माफ करूंगा। रोड्रिक्स भाई, ना रो रोड्रिक्स भाई। वो लुक, मेरी रोजलिन जिंदा है, वो रो रही है, वो रो रही है। मैं बुराती नहीं रोजलिन, पीता हूं बस। हम गॉड प्रॉमिस खाके कहता है रोजलिन, हम फिर नहीं पिएगा। तुम जिंदा हो गई ना, हम फिर नहीं पिएगा। हम गॉड प्रॉमिस कहता है रोजलिन, हम गॉड प्रॉमिस कहता है। रोडिक्स भाई, रोडिक्स भाई, रोडिक्स भाई, तू समझ जाओ। आओ आओ, हटो हटो। हेलो रोडिक्स भाई, अपनी रोजालिन नु घर ले जाओ। जिसने तुम्हें मारा है रोजलिन, गॉड उसको पनिश करेगा। गॉड उसको पनिश करेगा, गॉड उसको पनिश करेगा। प्रीति! हाँ इधर, देखो कौन आया है। हाय, नमस्ते भाई साहब, कब आए? अभी दो घंटे हुए, लेकिन आपने अच्छा चकमा दिया भाई साहब। आपके कारण मैंने कॉलेज प्रोग्राम एक घंटा डिले किया, लेकिन आपका कहीं पता ही नहीं। सॉरी, मैं केस में फंस गया था। रिकू, इनकी कोई बात नहीं सुनना, ये हमेशा कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है? अभी तो एनुअल स्पोर्ट्स की तैयारी है, ये देखिए उसका सोविनियर, और अप्रैल में मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। और पढ़ना चाहते हो? नहीं वैसा, मैं नौकरी करूंगा, वो भी आपकी तरह। ड्राइवर, पुलिस स्टेशन के सामने रोक देना। हाँ यहाँ रोक दो, कर लेना। ठीक है,
कुछ करता नहीं है। इंस्पेक्टर विनोद कहाँ है? उधर जाओ, दरवाजा खोलो, शाह अंदर देखेगा। इंस्पेक्टर विनोद। हाँ हेलो मिसेस राय। ये हमारे एडवोकेट है मिस्टर राजन। हेलो, मैं राकेश की जमानत देने आई हूँ। आई एम सॉरी, ये मर्डर केस है और इसमें इतनी जल्दी जमानत नहीं हो सकती। लेकिन ये मर्डर केस है नहीं इंस्पेक्टर, राकेश को खामोखा इस केस में इन्वॉल्व किया गया है। मिस्टर राजन, मैंने कोर्ट से 7 दिन के लिए रिमांड लिया है, अगर आप चाहें तो 7 दिन के बाद अदालत से जमानत मंजूर करवा सकते हैं। मैं 7 दिन के पहले इन्हें छोड़ नहीं सकता। आप जानबूझकर उन्हें तंग करना चाहते हैं, पर आई टेल यू इंस्पेक्टर, राकेश को अगर जरा भी तकलीफ हुई तो मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कोर्ट में खींचूंगी। कम ऑन राजन। तुम झूठ बोल रहे हो, रोसलिन के साथ तुम्हारी दोस्ती थी। नहीं, तुम अक्सर उसे घर ले जाते थे। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, मैं सच बोलता हूं इंस्पेक्टर, मैं उसे जानता तक नहीं। मिस्टर राकेश राय, रोसलिन के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे। नहीं, और उसने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इसलिए तुमने उसे जहर का रास्ता चाटा दिया। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, ये झूठ है, ये मुझ पे लगाया गया इल्जाम है इंस्पेक्टर। लिफ्ट लेने के बाद उसने मुझसे ब्रांडी मांगी तो मैं उसे घर ले आया। ब्रांडी देने के बाद जब मैं बाथरूम से लौटा तो वह मर चुकी थी। शी वॉज डेड, शी वॉज डेड, शी वॉज डेड। जब तुम उसे घर लेकर आए, किसी ने तुमको देखा? मेरी बड़ी बड़ी बहन ने। जी, इसका मतलब है हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बाद अब इसी घर में रह रही हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी है, अपने घर में रहने का इसे पूरा हक है। जी हाँ, आपने कहा कि 24 नवंबर की रात को जब राकेश देर से घर आया वो अकेला था। जी, यानी कि रोसलिन राकेश के साथ नहीं थी। जी नहीं। आप झूठ बोल रही हैं। आप रोसलिन को अच्छी तरह जानती थी। जी नहीं, मैं उसे नहीं जानती। आरती देवी, आपको मालूम था कि आपका भाई आपकी भाभी की गैरहाजिरी में रोज उस लड़की को घर ले आता था और आपने एक तीर से दो शिकार करना चाहे ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए, लड़की भी मरे और भाई जेल चला जाए। इसलिए 24 नवंबर की रात का आपने फायदा उठाया, रोसलिन के गिलास में जहर डाल दिया और जिसने इतनी खूबसूरती से एक कत्ल किया उसके लिए दूसरा कत्ल। मेरा मतलब आगे जाकर मिसेज राय को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं, नहीं। पूरी जायदाद की मालिका बन सके। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मेरे खानदान में कोई ऐसा नहीं। बोल रही है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझे अपराधी समझते हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए मुझे, मैं मान लूंगी कि रोसलिन को जहर मैंने दिया, मगर राकेश को छोड़ दीजिए, मेरा भाई बेगुनाह है, उसे छोड़ दीजिए, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अब लोग जा सकती हैं। इंस्पेक्टर विनोद, तुमने मिस्टर राकेश की पर्सनल और सोशल लाइफ के बारे में कुछ पता किया? हाँ सर, राकेश राय शिमला रोटरी क्लब आइसक्रीम क्लब के मेंबर हैं, लेकिन वो क्लब में जाने के शौकीन नहीं, अक्सर अपनी समय घर पर अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। घर में और कौन कौन है? बीबी है, माँ है, बहन है। बीबी उस रात शिमला से बाहर गई हुई थी, माँ और बहन से पूछताछ कर चुका हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं। घर में नौकर भी होंगे? हैं, लेकिन रात को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सर, जिस कमरे में रोसलिन की मौत हुई थी वो कमरा चारों तरफ से बंद था, मैंने खुद चेक किया था। लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिस शराब की बोतल में से मरने वाली के गिलास में शराब डाली गई थी उसमें जहर नहीं था? जी नहीं, जहर नहीं था, क्योंकि राकेश राय के बयान के मुताबिक उसने खुद उसी बोतल से शराब पी थी। और रोसलिन की मौत जहर पीने से हुई? जी हाँ। विनोद, तुम अपनी डायरेक्शन बदलो। जी। आई मीन टू से सोचने की डायरेक्शन बदलो, यह मत सोचो कि कातिल कौन है, यह सोचो कि कत्ल कैसे हुआ, रोसलिन के पेट में जहर कैसे आया। जब तुम्हें इस कैसे का जवाब मिल जाएगा तो कातिल कौन है उसका पता लगाना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट ने और रिमांड के लिए दरखास्त नहीं की, इसलिए अदालत मिस्टर राकेश राय को जमानत पर छोड़ने की इजाजत देती है, लेकिन वो अदालत की मर्जी बिना शहर से बाहर नहीं जाएंगे।
और जब भी अदालत को या पुलिस डिपार्टमेंट को उनकी जरूरत होगी हाजिर होंगे। यस सर, थैंक यू। थैंक यू राजन। माय प्लेजर राकेश। राकेश तुम ठीक हो ना? हेलो, आवाज पहचानी? कौन हो तुम? मुबारक हो, रोजलिन का कातिल तो आपने पकड़ लिया हुजूर। लेकिन पता चला कि रोजलिन का कत्ल कैसे हुआ था? नहीं नहीं ना, पता भी नहीं चलेगा। तुम जैसे नौसिखे का काम नहीं है, भूल जाओ। हेलो एक्सचेंज, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर विनोद बोल रहा हूँ। अभी अभी जो फोन आया था वो कहाँ से आया था? एक मिनट। हाँ, माल रोड के पब्लिक टेलीफोन से। शीला, ये तो क्लियर है कि रोजलिन शराब पीती थी। एक तो बार उसने ड्रग्स भी लिए, इसका सबूत मेरे पास है। लेकिन 24/9 की रात जब वो डिस्को गई थी, मैंने पता लगाया ना उसने विस्की पी ना कोई नशीली चीज ली। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर से हुई। यह जहर कहां से आया? इसका मतलब यह है कि किसी और ने उसे कोई जहरीली चीज दी थी। लेकिन जब वो यहां आई थी बिल्कुल ठीक थी। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि तुमने उसे जहर दिया है। जाओ, जाकर शेव करो और ऑफिस जाओ। ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कम ऑन। मैं जानता हूं शीला, लेकिन मैं पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका हूं। मुझ पर मर्डर केस है। तुम इसकी फिक्र मत करो, केस हम लड़ेंगे। तुमने तो खून नहीं किया ना, फिर तुम इतने परेशान क्यों होते हो? मैं जानता हूं राजन, मैंने जहर नहीं दिया। लेकिन रोजलिन तो मरी, किसी ने तो उसे जहर दिया। कौन है वो? जब तक वो नहीं मिलता पुलिस तो मुझे ही कातिल समझेगी ना। बेली राम, गाड़ी क्यों नहीं लाया अभी तक? गुड इवनिंग मिसेस राय। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं ऑफिस से मिलने आया हूँ। क्यों? आपसे कुछ पूछना है। सॉरी, जो कुछ पूछना है मेरे लॉयर से पूछिए। Thank you.
जानबूझकर आप मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर मैं कहूं जानबूझकर तो? मैं वजह पूछ सकती हूं? चाहत की कोई वजह नहीं होती। What? जा। पता नहीं क्यों आपको देखते मेरे कदम आपके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ आप मेरी आंखों के सामने रहिए। आपको मैं जितनी बार देखता हूँ आप मुझे और ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। अच्छा, लेकिन पुलिस वाले तो बड़े खुश होते हैं। जी जी, अगर आप कहेंगे तो मैं ये सब भी छोड़ दूंगा। ओ रियली? फिलहाल तो आप जरा ये सामान गाड़ी तक छोड़ दीजिए। ओ यस, थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सुनिए, आप मुझे हाईकोर्ट तक लिफ्ट दे सकती हैं? अगर आप फालतू बातें करेंगे तो नहीं। ठीक है, अगर आपका मूड नहीं है तो नहीं करूंगा। इस वक्त आप एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक फ्रेंड हैं, ओके? फ्रेंड बनाने का शुक्रिया। कम ड्राइवर, गाड़ी हाईकोर्ट से ले देना। हाय। अरे कम से एक मीठी मुस्कुराहट तो दो। क्यों, वहां से कुछ नहीं मिला? वहां से कहां से? ये बताओ, मुझ में बुराई क्या है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? तुम्हें हुआ क्या है? हो तो जाने कब से रहा है, मगर मेरी नजरों के सामने आ जाया है। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आता कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? कहने को अब रहा ही क्या है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि गिरे तो भी एक शादीशुदा औरत पर। खैर, तुम्हें शीला मुबारक हो। अरे सुनो तो। छोड़ दो मुझे। देखो, मैं तुम्हारा शक दूर करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है।
कोई कहानी वहानी बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। तुमने अपनी आंखों से यह देखा कि मैं शिला के साथ गाड़ी में बैठ गया। मैं इनकार नहीं करता, मैं कई दिनों से शिला का पीछा कर रहा हूं। ये देखो, ये रिकू के कॉलेज का सुविनियर है। शिला, शादी से पहले शिला का नाम रेनू था। 1977 में शिला कॉलेज की स्विमिंग चैंपियन रही है और ठीक उसके एक साल बाद यानी 1978 में शिला और राकेश की शादी हो गई। अब तुम कहोगी शिला के साथ गाड़ी में बैठने का और इसका संबंध क्या है? तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझे कहा था शादी से पहले राकेश ने शिला को डूबने से बचाया था। अब तुम ही बताओ एक स्विमिंग चैंपियन डूब कैसे सकती है? इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। प्यार में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं और फिर रोजलिन के केस से शीला की शादी का कोई संबंध नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये इंस्पेक्टर अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगा। इन पुलिस वालों से जरा दूरी ना ठीक है। ये इंस्पेक्टर तो हमारे खानदान के पीछे ही पड़ गया है। वो सब तो ठीक है। अच्छा इस इनविटेशन का क्या जवाब दूं? मुझे तो बॉम्बे जाने में कोई इतराज नहीं, इस बहाने गुरुजी के दर्शन भी हो जाएंगे, लेकिन राकेश के बगैर न्यू ईयर में मजा नहीं आएगा। नहीं शीला, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकूंगा। मेरी तो वो जापान वाली पार्टी आ रही है, घूमना फिरना तो फिर कभी हो जाएगा। बिजनेस फर्स्ट। क्यों राजन, एम आई राइट? तुम्हारी मर्जी है, फिर मैं लिख देता हूँ, आ रहे हैं। ओके, मैं माल पर होकर आती हूँ। अच्छा मुझे क्लास के पास उतार देना, वहाँ पे रोजलिन की एक सहेली रहती है, उससे कुछ इंक्वायरीज करनी है। तो चलो लेट्स गो। जानती हो उसने ऐसे कहा कि चलो चले। देखिए इंस्पेक्टर विनोद, जब मेरा केस अदालत में लड़ा जा रहा है तो आपके यहां आने का कोई मतलब नहीं। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप दोनों की पहली मुलाकात कहां हुई और शादी कैसे हुई। मेरी पहली मुलाकात नैनीताल में हुई, मैंने उन्हें डूबने से बचाया और फिर शादी। और कुछ पूछना है आपको? जी नहीं, एनीवे थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। ये यहां फिर क्या करने आया था? कुछ समझ में नहीं आया शीला, बड़े अजीब सवाल पूछ रहा था। हमारी पहली मुलाकात कब हुई, शादी कब हुई? स्ट्रेंज रियली। हनुमान करे मन मानी ओए शटराजा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या बात है, आज दुकान बड़ी जल्दी बंद कर रहे हैं? मैं दुकान बंद कर रहा क्योंकि आज ग्राहक नहीं है। मैं जो हूँ जी, तुसी तो परमानेंट ग्राहक हो जी। हाँ जी, जी। की गल है, आज आपके साथ जिमी नहीं है? जिमी जी। जिमी दादा से ब्याह कर देता है जी। मुबारक हो, मुबारक हो। तुसी ओदी इतनी अच्छी फोटो खींची जी के जिमी दी वाइफ निम्मी ने उन्हें अपनी कोठी विच रख लिया। कोठी विच रख लिया? हाँ, दुकान बंद। तो आड़ा मतलब है घर जमाई रख लिया? जी हाँ नन जी, मेरी शिमला विच कोठी भी है। दुकान बंद? मेरे को तो आपकी फोटो की भी जरूरत नहीं है, मैंने तो पंडित जी से शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। देखो मिस खन्ना, मेरे इस उम्र में शादी करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ओहो, उम्र क्या होता है जी। नंद जी आप एक दफा ये गलती करके तो देखो, फिर देखना आनंद ही आनंद आ जाएगा। मिस करना। हाँ जी। मिस्टर नंद का अब कोई आनंद नहीं मिल सकता। ओहो तुसी घबराओ ना जी, मैं डॉक्टर हकीम वैद सारे दे नुस्खे ले आवांगी, फिर देखना आनंद ही आनंद आ जाएगा। हाँ मैं हुने लेके आनी है। हाँ कहीं के नहीं। चैन की दास एंड कंपनी। एक्सक्यूज मी जी, क्या आप ही का नाम मिस नंद है? कौन आ गया जी? क्या आप इसे जानते हैं? नहीं। याद कीजिए, आज से 21 साल पहले आप नैनीताल गए थे।
गया सी। वहां आपको मधुमती नाम की कोई लड़की मिली थी। मधुमती हाँ मिली सी, लेकिन तुआनू कैसे मालूम? मैं आप दोनों की भूल की धूल का फूल हूँ। ओ पुत्र, मैं तेरी सारी धूल गुल कर दूंगा, हुनर की दुकान बंद नहीं होगी। डैडी डैडी नन्नन सन्नन सन्नन सन। सॉरी इंस्पेक्टर, तुम्हें एक काबिल ऑफिसर समझते हुए मैंने ये केस तुम्हारे सपोर्ट किया था, लेकिन आज एक महीना होने के बाद भी तुम अपनी इंक्वायरी में कामयाब ना हो सके। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर शायद रोजालिन की मौत से किसी का कुछ फायदा हो। मैं हर उस शख्स से पूछताछ कर चुका हूँ जिसका रोजालिन से किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक हो, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तुम अभी तक ये पता नहीं लगा सके कि ये जहर आया कहां से। सर, मुझे कुछ क्लूज मिल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्द इस केस को हल करके रहूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। ओके, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, रोजेलिन मर्डर केस सॉल्व करना पुलिस के बस की बात नहीं। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। बेहतर है इस फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। हेलो, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर विनोद, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हु इज दैट? मैं राजन बोल रहा हूँ, मिस्टर राकेश राय का वकील। हाँ मिस्टर राजन, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, जब से मैंने राकेश की जमानत करवाई है, मुझे 3 मरतबा कोई आदमी धमकी दे चुका है। कैसी धमकी? जान से मार डालने की। आपको? जी हाँ, पहली बार तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, दूसरी बार मैंने सोचा मैं आपको कांटेक्ट करूं, मगर मैं टाल गया। आज शाम को तो उसने अल्टीमेटम दे दिया, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप धमकी देने वाले का नाम? पुलिस को फोन कर रहा हूं। कौन हो तुम? फोन नीचे रखो। मैं कह रहा हूं फोन नीचे रखो। तुम्हें कई बार समझाया है कि राकेश का केस हाथ में मत लो, तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है वकील। वो मुझे गोली मार के भाग गया। लके, गोली टांग के अंदर नहीं गई, छू कर निकल गई। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते। नहीं प्लीज, आप मेरे डॉक्टर को फोन करिए, लेट हिम सी इट। अच्छा हुआ मैं आ गया, पुलिस सायरन सुनकर शायद वो भाग गया। नंबर 4698, डॉक्टर पूरी। कौन था वो? अब तो उसे आप पहचान सकते ना। सच बात तो ये है कि मुझे अब तक आप पर भी शक था। मुझ पे? जी हाँ, हालांकि उस रात आप शहर में नहीं थे। चलो, इस वक्या से पता तो चल गया कि कोई और भी है। हाँ हेलो हेलो डॉक्टर पुरी, एक मिनट डॉक्टर।
आरती, मैंने यहाँ एक चीज का डब्बा रखा था, कहीं देखा है? तुम्हें तो मालूम है शीला, तुम्हारे और राकेश के सिवा इस फ्रिज को कोई हाथ नहीं लगाता। मिल गया। ठंडी चीजों की जरूरत तो तुम दोनों को ही होती है, हमें तो वैसे ही सर्दी बहुत लगती है। मैं तो जाने से पहले हर चीज चेक कर लेती हूँ। पार्टी वार्टी हो, तुम लोगों को डिस्टर्ब कर मुझे अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। शीला, मेरा ओवरकोट कहाँ रखा है? वो तो मैंने सूटकेस के साथ गाड़ी में रखवा दिया। अच्छा किया, अब मैं जल्दी निकलता हूँ, रात तक दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच जाऊंगा। कब तक लौटोगे? 31st तक बिजनेस मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, न्यू ईयर्स नाइट है, अगर सबने इंसिस्ट किया तो रात शायद वहीं रुक जाऊं। हर हालत में 1st तक आ जाऊंगा। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? हमें तो हो सकता है न्यू ईयर्स के बाद 2-3 दिन रुकना पड़े। राजन, तुम इनके साथ जा रहे हो ना, इनका ख्याल रखना। डोंट वरी यार, शीला हम दोनों से ज्यादा स्मार्ट है। इसका मतलब न्यू ईयर्स पे तो मुलाकात नहीं होगी, इसलिए लेट मी विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, बाय बाय, सी यू इन द मॉर्निंग। क्या बात है प्रीति, बहुत थकी थकी नजर आ रही हो। कुछ नहीं। क्यों, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया क्या? वो तो बाहर गए हैं। बात ये है, रोज रोज यही जगह यही चेहरे, मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ, कोई चेंज ही नहीं है। देखा, मान ली ना हमारी बात। सुनो, एक हफ्ते की छुट्टी मारो यहाँ से और चलो मेरे साथ बम्बई, मैं तुम्हें अपने गुरुजी से मिलाऊंगी और न्यू ईयर भी वहीं मनाएंगे। दिल तो मेरा बहुत चाहता है लेकिन मैं लेकिन सोचती रहोगी तो सारी जिंदगी इसी हेल्थ क्लब में गुजर जाएगी। सुनो, तुम्हारे आने जाने का खर्चा मेरा, मगर गया पानी में, मैं 2 टिकट मंगवा लेती हूँ। मिसेस राकेश राय, और ये है इंस्पेक्टर विनोद की फियांसे। ये दोनों शिमला से वकील के साथ हमारी न्यू ईयर पार्टी पर आ रही हैं। इनमें से किसी भी एक को न्यू ईयर क्वीन बना देना, समझ गया ना किस लिए बनाना है। वेलकम मिस्टर राजन, वेलकम मिस्टर राय। थैंक यू। राकेश राय नहीं आए? वो बिजनेस के सिलसिले में बिजी थे। मीट माय फ्रेंड प्रीति। हेलो, प्लीज टू मीट यू, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इससे पहले कि नए साल का स्वागत किया जाए, हर साल की तरह इस साल भी थम्स अप क्वीन का ड्रॉ निकाला जाएगा। जितनी भी लेडीज हैं उन सबको ड्रिंक सर्व की जाएंगी, हार्ड या सॉफ्ट, जो भी जैसा चाहें। थम्स अप क्वीन वो खुशकिस्मत होगी जिसके ग्लास में से मोती निकलेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैरी ऑन विद योर डांस एंड बेस्ट ऑफ लक। वन टू थ्री फोर। मैं अकेला और दिलबर है कई, जिस तरफ देखो कयामत है नई, इससे बढ़ के दूसरी हसीना है यहाँ, क्या करूँ ये तो मुसीबत हो गई। पर मैं अकेला और दिल भर है कई, जिस तरफ देखो कयामत है नई, इससे बढ़ के दूसरी हसीना है यहाँ, क्या करूँ ये तो मुसीबत हो गई। कौन सी काफिर का मैं कर
मैं अकेला और दिलबर है कई, जिस तरफ देखो गया मत है नहीं, दिखते पड़के तू भी हसीना है यहाँ, क्या करूँ ये तो मुसीबत हो गई। क्या करूं ये तो मुसीबत हो गई, अरे मैं अकेला और दिल भर है कई, जिस तरफ देखो गया मत है नहीं, इससे बढ़ के दूसरी हसीना है यहाँ, क्या करूं ये तो मुसीबत हो गई। Of the year, Miss PP of Simla. Now please go and change your dress. नमस्ते, सामान निकालो, जल्दी करो। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन शराब पीने के बाद बात नहीं कर सकते। ओके, आइए कहिए। आइए, आप ही का इंतजार था। क्या बात है, हमें जल्दी पहुंचने के लिए तार क्यों दिया गया था, और ये पार्टी किस लिए? मुझ पर से रोजलिन मर्डर केस हटा लिया गया है। इंस्पेक्टर विनोद ने पार्टी के लिए दरख्वास्त की, सो मैंने कबूल कर ली। तो क्या पुलिस ने रोजलिन मर्डर केस बंद कर दिया? केस कैसे बंद हो सकता राजन साहब, आप तो वकील हैं। अभी तो एक गवाह ऐसा मिला है जिसने रोजलिन के कातिल की तरफ इशारा भी कर दिया है। कौन है वो, अभी बताता हूं। चलिए पहले खुशियां मनाते हैं, आइए। हाँ तो राजन साहब, आप कातिल का नाम पूछना चाहते थे। राजन साहब, खून के मुकदमे का पर्दा अगर आहिस्ता आहिस्ता उठे तो दिलचस्पी ज्यादा देर तक। वैसे आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे,
कि कातिल का नाम भी आर से ही शुरू होता है। लीजिए। चेयर्स। विजय ना, हाँ तो मैं कह रहा था कि कातिल का नाम आर से शुरू होता है। आर यानी के राजन, राकेश, रॉड्रिक्स और रेनू। मिसेज राय, शादी से पहले आपका नाम रेनू था ना? जी। मिसेज राय, आपको याद होगा 1977 में आप अपने कॉलेज की स्विमिंग चैंपियन थी। जी हाँ। स्विमिंग चैंपियन? और 1978 में जब आप मिस्टर राकेश को मिली तब आप डूब रही थी, यानी कि एक स्विमिंग चैंपियन डूब रही थी। मिसेज राय, आपने मिस्टर राकेश को अपने जाल में फंसने के लिए डूबने का बहाना किया था। What do you mean, जाल में फंसने के लिए? एक अमीर आदमी से शादी जाल से कम नहीं। और जब आपने देखा कि मिस्टर राकेश की दिलचस्पी आपकी बजाय रोजलिन की तरफ बढ़ रही है तो 24 नवंबर की रात को आपने रोजलिन को अपने रास्ते से हटाने की पूरी स्कीम बनाई और खुद शिमला छोड़कर चली गई ताकि किसी को आप पर शक ना हो। मिसेज राय, रोजलिन की कातिल आप हैं। नहीं। आप ठीक कह रही हैं मिसेज राय, आप कातिला नहीं है तो फिर कातिल है कौन? राजन साहब, आपको शक है इस ग्लास में कुछ था? आप नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। अभी तक सब हैरान है कि रोजलिन अचानक कैसे मर गई, है ना? मिस्टर राकेश, वैसे आपको भी बताना था, उस रात रोजलिन को ब्रांडी का ग्लास देकर आप अंदर चले गए और जब वापस आए तो रोजलिन मर चुकी थी। उस ब्रांडी में कुछ नहीं था क्योंकि पुलिस को फोन करने के बाद आपने खुद उसी बोतल से शराब निकाल कर पी थी। तो फिर इस ग्लास में क्या था? राजन साहब, आप तो प्रीति को जानते ही हैं, है ना? प्रीति को न्यू ईयर क्वीन बनाने के लिए उसके ग्लास से मोती निकाला था। बस उस मोती से मैं समझ गया था कि रोजलिन की मौत कैसे हुई थी। रोजलिन की मौत इस बर्फ से हुई थी। बर्फ? जी हाँ, आपको याद है आपने रोजलिन के ग्लास में बर्फ डाली थी। हाँ हाँ। उस बर्फ में ऐसी चीज थी जिससे रोजलिन की मौत हुई और वो चीज थी जहर। जहर? शराब में बर्फ पिघलने के बाद रोजलिन ने एक घूंट लिया और उसी वक्त मर गई। दरअसल मरना आपको चाहिए था मिस्टर राकेश। मुझे? जी हाँ, क्योंकि आप हमेशा शराब में बर्फ डालकर पीते हैं और कातिल को यह भी पता था कि इस फ्रिज को आपकी पत्नी और आपके सिवा कोई नहीं छूता। इसीलिए 23 नवंबर की रात को जब आप लोग खाना खा के ऊपर चले गए, मौका पाते ही कातिल ने आइस ट्रे में जहर मिला दिया और खुद शिमला छोड़कर चला गया ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस को कैसे शक हो सकता है कि बर्फ में जहर मिला गया था और उसी जहरीली बर्फ के साथ ब्रांडी पीने से आपकी बजाय बदनसीब रोजलिन की मौत हो गई। पहली बार नाकाम रहा और जबकि आप लोग न्यू ईयर के लिए बाहर जा रहे थे उसने वही तरीका फिर से इस्तेमाल किया। वो जानता था कि आप शिमला पहुंचते ही शराब में बर्फ डालकर पिएंगे और उस शराब से आपकी मौत हो जाएगी और पुलिस को यकीन हो जाएगा कि रोजलिन के खून के इल्जाम से बचने के लिए आपने खुदकशी कर ली। लेकिन वो इस बार भी नाकाम रहा क्योंकि मैं वक्त में पहुंच गया था और मेरे आदमी ने वो ग्लास उठाकर टेस्ट के लिए भेज दिया। मिस्टर राजन, खबरदार कोई हिलने की कोशिश ना करें, अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा।
इंस्पेक्टर विनोद, अब तो तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। वकील साहब वाह, आपके दिमाग की दाद देता हूं। कुछ समय के लिए तो मैं भी हक्का बक्का रह गया था कि खूनी कौन है। कितनी खूबसूरती से अपने आप पर से शक हटाने के लिए इस किराए के टट्टू का इस्तेमाल किया था। फोन इससे करवाया ताकि शक आप पर ना हो, गोली हवा में चलाई और जख्मी होने का नाटक किया ताकि शक आप पर ना हो। जीप इसने खराब की और नकाब पहनकर आपने मुझ पर हमला किया ताकि शक आप पर ना हो। वकील साहब, आपके अंदाज वाकई काबिले तारीफ हैं, लेकिन आज आपके मुकदमे के सारे हथकंडे खत्म हो गए। ले जाओ इन्हें। इंस्पेक्टर, वो राजन पकड़ा गया। लेकिन वो मुझे क्यों मारना चाहता था? दौलत और मोहब्बत के लिए। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मिस्टर राकेश, शीला जी यह नहीं जानती थी जिन दिनों राजन इनके घर पेंगस बनकर रहता था वो इन्हें चाहने लगा था। आपसे शादी के बाद रेनू को आपकी बीवी के रूप में देखकर उसे जलन होने लगी। वो किसी भी तरह रेनू को अपना बनाने का ख्वाब देखने लगा। और जब इनकम टैक्स से बचने के लिए आपने आपके सारे रुपए और खानदानी जेवरात राजन के हवाले किए तो राजन को अपना सपना साकार होते नजर आने लगा। उसका ख्याल था आपके बाद वो रेनुजी को अपनी पुरानी मोहब्बत का वास्ता देकर मना लेगा। मुझे? ये उसके दिमाग की सोच थी जो उस रात पूरी ना हो सकी। एनीवे, शैला जी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, इसके लिए माफी चाहता हूं। बाय बाय मिस्टर राकेश। गुड बाय, सी यू। शीला, मैंने सचमुच डूबने का बहाना किया था प्यार की खातिर, है ना? प्यार में सब झूठ जायज है। कमान, चेयर अप, स्माइल।